खराब है जोगिंदर को इस बार फिर से गुस्सा आ चुका है और वो भी उर्फी जावेद के ऊपर। आप लोगों को पता होगा उर्फी जावेद को सब लोग ट्रोल करते रहते हैं उनके फैशन एंड उनके कपड़ों को लेकर। तो थाराबाई जोगिंदर का कहना है कि जब रणवीर सिंह ने ये फोटो खिंचवाई थी तो उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया था, तो फिर क्यों उर्फी जावेद के ऊपर लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। चलिए उस वीडियो को देखते हैं, उससे पहले कमेंट कीजिए कि आपको उर्फी मैम का ड्रेसिंग सेंस कैसा लगता है। अच्छा, अपडेट्स को जल्दी अपलोड करने की कोशिश रहती है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो एक बात बता देना चाहता हूँ, अब से कुछ टाइम पहले एक फोटो वायरल हो रखी थी बहुत ज्यादा रणवीर सिंह की, आप लोगों ने देखी होगी वाली फोटो। बहुत लोग ट्रोल कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, सारे लड़के हर लड़कियां आज तक पर बड़े बड़े चैनल पर क्या हो रहा था रणवीर सिंह की ये वाली फोटो। भाई रणवीर सिंह की ये वाली फोटो बहुत वायरल हो रही थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हर बंदा ये वाली बात बोल रहा था कि रणवीर सिंह ने बिना कपड़े का फोटो शूट क्यों कराया और उसकी हिम्मत कैसे हुई। हिंदुस्तान सारा एक साथ हो गया था, एक लड़के ने तब ऐसा फोटो शूट कराया, उस टाइम हमारे भाई और हमारी बहनों ने ऑब्जेक्शन उठाया इस वाली बात के ऊपर कि रणवीर सिंह को ऐसा फोटो शूट नहीं कराना चाहिए था, जो कि सारा गलत है। तो मैं अब आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, अब पब्लिक आप लोगों के हाथ में है। इस लड़की को जानते हो आप लोग? अगर नहीं जानते तो एक बार आप लोग इसकी एक बार वीडियो देखो। मैं आप लोग इस लड़की की प्रोफाइल देखना आप लोग, और मैं इसकी वीडियो आप लोगों को दिखा नहीं सकता, माफ करना मेरे को, बट इसका नाम ऊपर लिखा हुआ है, आप लोग नाम भी पढ़ लो। मैं इस लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहता, इस लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहता। इसके इंस्टाग्राम पे जाके एक बार आप लोग इसकी वीडियो देखना, इसने कैसी कैसी वीडियो बना रखी है। बट इस लड़की के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा हिंदुस्तान के अंदर, पर थारा भाई जोगिंदर बोलेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर एक लड़के के ऊपर हिंदुस्तान एक साथ हो सकता है कि उसने ऐसा फोटो शूट क्यों कराया, तो इस लड़की के खिलाफ कोई क्यों नहीं बोलता? ये ऐसी वीडियो बनाती है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी सारी बहन बेटियां, हमारी बहनें हैं, वो भी इसकी वीडियो देखती होगी। इसकी वीडियो में देखना भाइयों कितने कितने व्यू आते हैं, ये देखना कितने कितने व्यू आते हैं इसकी वीडियो देखना आप लोग एक बार जाके। शर्म खत्म कर दी, शर्म 100%। जिसके सामने भी इस लड़की की वीडियो आती है कोई तो इसको अच्छे कमेंट करता है, कोई इसको सपोर्ट करता है, पर आज तक हिंदुस्तान के अंदर किसी ने ये नहीं बोला कि ऐसी वीडियो मत बनाया कर, हमारे हिंदुस्तान के इतनी इतनी सारी बहनें हैं, इतनी सारी माएं हैं, वो भी वीडियो देखती होगी, क्या सीखती होगी इसको, इसकी वीडियो देखकर क्या सीखती होगी। हमारा देश इतनी तरक्की कर रहा है, पर मैं इस एक लड़की को बोल रहा हूं खाली, और किसी लड़की को नहीं बोल रहा। हमारी इतनी सारी बहनें हैं, इतनी सारी बॉलीवुड के अंदर इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, आज तक किसी ने ऐसी ड्रेस पहन के वीडियो बनाई नहीं बनाई, बट ये लड़की खुलेआम वीडियो बना रही है, बोल रही है ये मेरा फैशन है, मैं करूंगी ऑन द स्पॉट। तो भाई इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ, समझाओ इसको, हिंदुस्तान को ये वाली बात बोलता हूँ, सपोर्ट करो सब भाई इस बात के ऊपर बोलो, क्योंकि अगर आज ये लड़की ऐसी वीडियो बनाएगी तो आने वाले टाइम के अंदर ऐसी और भी लड़की आएगी, वो भी वीडियो बनाएगी, तो सोचो आने वाले 3 साल के अंदर हमारे देश के अंदर कैसे कैसे लोग वीडियो बनानी स्टार्ट कर देंगे। और भी लड़कियां हमारे हिंदुस्तान के अंदर जिसको शर्म है, जो ऐसे ड्रेस नहीं पहनती, इतनी संस्कारी लड़कियां हमारे भारत के अंदर, इतनी बॉलीवुड की इतनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस जो इतनी बड़ी बड़ी मूवी कर चुकी है, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उसके बाद भी हमारी ऐसी लड़कियां हिंदुस्तान में नहीं करती जैसी ये लड़की खुलेआम कर रही है। उर्फी अगर इससे कोई इंटरव्यू लेता तो खुलेआम बोलती है मेरी लाइफ मैं कुछ भी करूंगी, मैं मानता हूं तुम्हारी लाइफ है तुम कुछ भी करो, पर सोशल मीडिया के अंदर खुलेआम ऐसी ड्रेस कौन पहनता है, मेरे को ये वाली बात बताओ, खुलेआम ऐसी ड्रेस कौन पहनता है, कोई नहीं पहनता होगा। ये खुलेआम गंद मचा रही सोशल मीडिया के अंदर। आप लोग एक बार इसकी और वीडियो देख लो, मैं इसकी और वीडियो दिखा देना चाहता हूं भाई, आपको शर्म आ जाएगी, और मैं इसकी वीडियो दिखाना नहीं चाह रहा, बट बाहर से आप इसका वॉलपेपर देख लेना और सर्च कर लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा ये लड़की क्या कर रही है। इसकी ये वाली वीडियो भी देखना भाइयों, कितनी गंदी वीडियो बनाती है लड़की, इस पे ऑब्जेक्शन उठाओ सारे भाई, वरना कल के अंदर हमारी जो बहनें है ना जो 11-12 क्लास में पढ़ रही है, वो इसकी वीडियो देख के क्या सीखेगी, क्या सीखेगी। शर्म करो शर्म, तब आप लोग बॉलीवुड के इतने बड़े आर्टिस्ट के ऊपर कार्रवाई करा सकते हो, बट इसके ऊपर क्यों नहीं हो रही, मैं ये पूछना चाहता हूं। हमारी भारत सरकार हमारी बहनों के लिए इतना कुछ कर रही है, हमारी भारत सरकार हमें हमेशा ये बोलती है कि अच्छे कपड़े पहनो,
अच्छे रहो, अच्छे काम करो। बट यार ये लड़की खुलेआम सोशल मीडिया के अंदर कैसी कैसी ड्रेस पहन रही है, आप देखो एक बार खोल के यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह ऐसी ड्रेस पहन के खुलेआम घूमती है। और फिर ये बोलती है भाई किसी को मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, पर हमारी बहनें भी है सोशल मीडिया के अंदर, हमारी माताएं भी है, वो तो नहीं डालती ऐसी वीडियो जैसी वीडियो तुम डालती हो। बट ये लड़की खुलेआम ऐसा गंद मचा रही है, फिर भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जाके बोल रहे वाह नाइस बहुत बढ़िया बहुत अच्छे। मत करो भाई ऐसी चीज को सपोर्ट, कल को मैं कुछ कह नहीं सकता इससे आगे। अगर कल को आप लोग चाहते हो ना कि ऐसा ना हो, तो अभी से इस चीज को रोकना पड़ेगा। आप लोगों को एक साथ होना पड़ेगा, सबको जितना हो सके इस चीज को रुकवाओ। आपसे यही कह सकता हूं, मैं उर्फी को बोलना चाहता हूं खत्म कर दीजिए ये चीज, खत्म कर।